तीन एलिफेंट्स हैं, तीनों कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हैं, ए बी और सी। तो ए की स्पीड 5 है, 5 5 5, सी की स्पीड 10 है, 10 10 10, बी की पता नहीं निकालनी है। When बी कैचेस सी का मतलब बी ने सी को क्या किया, ओवरटेक किया। तो एक बात तो पक्की है, बी की स्पीड सी से ज्यादा होगी तब इसको क्रॉस करेगा। बी अगर तेज मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, तो बी की स्पीड सी से ज्यादा है। नेक्स्ट है, तो बी कैचेस सी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी, पहले सेपरेशन ए और सी की कितनी थी, 2D। तो जब इसने इसको क्रॉस किया थोड़ी देर के बाद, तो इसकी और इसकी सेपरेशन 3D हो गई। 3D का मतलब 2D 3D नहीं, 3 × d डिस्टेंस हो गया। आराम में क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या ये बात समझ में आती है कि अगर इनके और इनके बीच में दूरी अगर 2D है और थोड़ी देर के बाद वो दूरी बढ़ के 3D हो गई, तो ये एलिफेंट स्लो मूव कर रहा है। दूरी तभी बढ़ती है जब कोई एलिफेंट स्लो मूव करेगा यार, नहीं तो कब ना हो जाती, 2D का डी ना हो जाता। इसका मतलब ये सबसे स्लो है और ये सबसे तेज है और ये मीडियम में है। ये बात समझ में आई पहले तो? कोई डाउट इसमें? ठीक है, 5 है। हाँ तो मैं तो, मुझे इसका नहीं पता ना। हाँ चलो ओके, ठीक है, ऐसे कर लो, वी भी बड़ा होगा 10 से तो, और ये सबसे छोटा है तो दूरी बढ़ेगी। तभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि 2D का 3D क्यों हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अब एक रिजल्ट याद करो, रिजल्ट था मोशन के अंदर किया था, इफ टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जैसे वो ट्रेन और या बस या साइकिलिस्ट वाला प्रॉब्लम था, इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो दोनों की वेलोसिटी को माइनस कर देते थे, एंड इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों की वेलोसिटी को प्लस कर देते थे। यही रूल था। तो सेम केस है, अगर मैं ये कहूं कि बी ने सी को ओवरटेक किया या क्रॉस किया, तो कितने समय में किया, टाइम बताओ क्या होगा। तो क्योंकि सब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो टाइम क्या होगा, इनके बीच में दूरी है कितनी, डी। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें, लेकिन स्पीड क्या लें, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वीबी माइनस 10। कोई डाउट इसमें? टाइम समझ में आ गया, टाइम कैसे आएगा, कोई डाउट इसमें? तो टाइम की वैल्यू आएगी, इन दोनों की वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो डी को इससे डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लंबा तरीका चूज किया। अगर मैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाऊं, लगाना नहीं है, बस आंसर आ गया। वो क्या, बी और सी एलिफेंट लिए मैंने, टाइम मुझे निकालना है, वी बी सी निकालना है। वी बी सी वेक्टर क्या होता है, वी बी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर। और वेक्टर फॉर्म का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर वी सी स्क्वायर माइनस 2 VB VC, यानी कि वी बी माइनस वी सी का होल स्क्वायर, यानी कि सेम आंसर आ गया। ये तो मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि इफ टू एलिफेंट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटीज को माइनस क्यों करते हैं। पर आपको तो सीधा याद ही है, अगर दो गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों को माइनस कर दो, और अगर ऑपोजिट है दोनों को प्लस कर दो। कोई डाउट इसमें? तो इसके मैंने एक लाइन में टाइम निकालना सिखा दिया, टाइम आ गया। इतने टाइम में बी ने सी को ओवरटेक किया, जब बी ने सी को ओवरटेक किया, जैसी ओवरटेकिंग हो रही थी, सी और ए में दूरी कितनी हो गई, 3D। तो पहले कितनी थी, 2D, अब कितनी हो गई, 3D। तो अफेक्टिव डिस्टेंस कितना कवर किया ए और सी में, डी। वो कैसे, क्योंकि डिस्टेंस पहले तो 2D था, नया 3D हो गया, अफेक्टिव ए और सी के बीच में डिस्टेंस कवर कितना हो गया, डी। अब अगेन वही रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे। अब ये बताओ कि अगर मैं ए और सी एलिफेंट की बात करूं, ए और सी एलिफेंट पहला और आखिरी, डिस्टेंस कवर क्या है, डी, और कितने टाइम में, टी। ये कौन सा टाइम है, जब बी ने सी को क्या किया था, ओवरटेक। क्योंकि जब बी ने सी को ओवरटेक किया था तभी तो इनके बीच में दूरी क्या रही थी, डी। और वेलोसिटी क्या लेंगे, ए और सी की रिलेटिव वेलोसिटी। और
ए और सी की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो कैसे कैलकुलेशन होगी? वी ए की वैल्यू कितनी है? 5, और वी सी की वैल्यू कितनी है? 10, तो आंसर क्या आएगा? -5। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट का मतलब कि इस केस में जो ए है, एलिफेंट की स्पीड निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू सी, इसका मतलब क्या सिखाया था कि सी अपने आप को किस पे मानता है? एट रेस्ट। तो आखिरी एलिफेंट सी कहता है देखो मैं तो रेस्ट पे हूं, और वो कहता है देखो जी ए मेरे से पीछे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 5। माइनस साइन का मतलब ये है, क्यों? क्योंकि अगर सी खुद रेस्ट पे मान लेगा अपने आप को और दूरी उनके बीच में बढ़ती जा रही है, तो वो क्या मानेगा कि देखो जी ए पीछे जा रहा है, पीछे के लिए साइन नेगेटिव। हालांकि चाहिए नहीं, वैसे बता रहा हूं कि साइन नेगेटिव यूज ये क्यों आया, हमने मैग्नीट्यूड यूज करना है इसका। क्लियर है यहां तक? तो मैंने एस इक्वल टू वीटी लगा दिया ए और सी में, तो डिस्टेंस ए और सी में डी हो गया, वेलोसिटी रिलेटिव मुझे पता है, टाइम वही लेना है कि ये डिस्टेंस तब कवर हुआ जब बी ने सी को ओवरटेक किया, बी ने सी को ओवरटेक टी टाइम में किया, और टी ऑलरेडी हम यहां पे निकाल चुके हैं। इस टी की वैल्यू को आप यहां पुट करें, सॉल्व करें, आंसर वीबी की वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें?